हाई एंड वेलकम टू दी हाई फ्रीस्ट स्टारो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है सो लेट अस सी आज आप लोग पूरे दिन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आज आपके लिए जनरल मैसेजेस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स ये रीडिंग कोई भी देख सकता है यहाँ पे साइन वगैरह कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है बस इतना याद रखना दैट जितना रेजिनेट करे उतना ही लेना एंड इस रीडिंग को बिल्कुल भी फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा आप वहाँ से जाके देख सकते हैं सो स्टार्टिंग ऑफ कलेक्टिव आज का जो दिन है आई सी मोस्ट ऑफ ऑल आप काइंड ऑफ ट्रैवल कर रहे हो किसी चीज़ पे ठीक है आप किसी बात पे ट्रैवलिंग कर रहे हो आप काइंड kind ऑफ of बहुत ज़्यादा फोकस्ड uh, हो अपने फाइनेंसेस पे फाइनेंसेस uh, uh, पे मतलब ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो या बहुत पढ़ाई कर रहे हो या आप ऑफिस में यू नो ऑफिस वर्क को लेके बर्डेंड हो मेरा जो मतलब है इज़ दैट आप काइंड kind ऑफ of, आपका सेविंग्स आपका बैंक अकाउंट आपके ज्वेलरी uh, आपका एसेट ये सारी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो ठीक है मे बी आप किसी चीज़ का हिसाब कर रहे हो मे uh, बी um, आप काइंड ऑफ सेविंग करने की कोशिश कर रहे हो आप काइंड kind ऑफ of खर्चा बचाने की कोशिश कर रहे हो आज के दिन आई ऑल्सो सी कुछ लोग वेट कर रहे हो किसी न्यूज़ का जो रिलेटेड है आपके फाइनेंस से जो रिलेटेड है आपके मैरिज से um, या फिर आप काइंड uh, ऑफ kind of रिश्ता देख रहे हो अपने लिए आज या फिर आपको कोई रिश्ता आ सकता है जो लोग काइंड ऑफ अरेंज मैरिज में इंटरेस्टेड uh, हो या फिर आप काइंड ऑफ अपनी लाइफ में सेटल हो रहे हो किसी बात पे लाइक uh, सेटल like होने की कोशिश कर रहे हो चाहे वो करियर वाइज हो या फिर मैरिज वाइज हो या इन फैमिली सिचुएशन भी हो आई सी दैट आज आपका हेल्थ थोड़ा सा um, अच्छा रहेगा आप थोड़े से हेल्दी या बेटर फील करोगे ठीक है बट डू नॉट डू एनी जो आउट ऑफ लिमिट्स हो ठीक है अगर आपको ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ इशू है तो अच्छा यही होगा दैट आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें हेल्थ अच्छा है मतलब ये नहीं कि आप यू you नो know, um, Uh, अपने बॉडी को ओवरवर्क करवाए या अपने बॉडी पे प्रेशर डाले कि यू नो कुछ करने के लिए या जस्ट फॉर एंजॉयमेंट और वट एवर पर्पज सो वो एक चीज है जो आपको थोड़ा सा हैंडल करना है ठीक है लेट इस योर करियर एंड योर फाइनेंसेस स्पेशली फॉर टुडे ओ आई सी कलेक्टिव यहाँ पे आपके करियर फाइनेंसेज में um, आपके पास ऑलरेडी जो है उससे आप सैटिस्फाइड हो बट आपको आज से ज़्यादा कल की चिंता खाई जा रही है आप आज से ज़्यादा कल की चिंता कर रहे हो कि कल क्या होगा कल uh, क्या मुझे ये नौकरी करना चाहिए क्या इस नौकरी से मेरा कोई यू नो सैटिस्फैक्शन आएगा क्या ये बिजनेस मेरा सक्सेसफुल होगा क्या ये लाइन ऑफ स्टडीज़ मेरा अच्छा जाएगा सो so, आप काइंड kind ऑफ of जो भी चिंता कर रहे हो इस वक्त अगर आप वो चिंता ना भी करो तो भी ठीक है कलेक्टिव uh, बिकॉज आप यू uh, नो you know, ये सारी चिंता ये सारे जो स्ट्रेस है ये सारे जो uh, आपके कल की चिंताएं हैं वो आपका आज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है वो आपके आज में आप जी नहीं पा रहे हो आपके आज को आप इंजॉय नहीं कर रहे हो बिकॉज आप कल की फिक्र में यू um, नो you know, खो गए हो दैट इज वॉट आई सी सो so, आज का दिन ओवरऑल आपका सेटिसफैक्टरी है ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है ऐसा नहीं है कि आपको आज के दिन में में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है या आज कुछ बहुत यू नो नेगेटिव या पॉजिटिव हो रहा है सो so, आज एक नॉर्मल सा दिन ही होगा आपके लिए बट द थिंग इज दैट आप बहुत ज़्यादा कल की फिक्र कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो जो आज नहीं भी लोगे तो चलेगा ठीक है आपके uh, लव या इमोशनल सिचुएशन में व्हाट आई सी सी हियर इज़ दैट सिचुएशन थोड़ा सा स्टक है आप काइंड ऑफ मूवमेंट चाह रहे थे जो मूवमेंट हुआ नहीं या फिर आप काइंड kind ऑफ of किसी बात का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो चाहे वो सोशल मीडिया से हो म्यूचुअल फ्रेंड से हो आई ऑल्सो सी दैट आपको कोई स्टॉक कर रहा है या आप किसी को स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे कोई तो आप पे इंटरेस्ट रखता है आप किसी पे इंटरेस्ट रखते हो बट द प्रॉब्लम इज आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं है या आप एक दूसरे को ये चीज़ बताते नहीं हो या तो आप दोनों डर रहे हो या तो ये पर्सन डर रहे हैं कोई है है जो अपना टाइम लेना चाहते हैं कोई है जो यहाँ पे वेट करना चाहते हैं मे बी इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट था जो आप फिर से दोहराना नहीं चाहते सो आई सी आपके लव सिचुएशन थोड़ा सा आज यू um, नो you know, थोड़ा सा आज पॉज्ड uh, है हैंंग्ड मैन सिचुएशन में है कुछ खास मूवमेंट नहीं है बट आई ऑल्सो सी दैट मे बी थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो रहा है अगर ये न्यू पर्सन है या कोई क्रश uh, किस्म के पर्सन है या या अगर आप सिंगल हो ऐसे आप कुछ लोगों से बात कर रहे हो थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी है सो so कुछ uh, गहरा कमिटमेंट या गहरा मूवमेंट एक्सपेक्ट मत करना जस्ट एक्सपेक्ट दैट एक लाइट हार्टेड हैप्पी एनर्जी होगा आपके आसपास आप कम्युनिकेशन uh, होगा एंड स्पेशली अगर आप कोई पास्ट पार्टनर से डील कर रहे हो जहाँ पर रिकनसिलियशन की ज़रूरत है या अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी की ज़रूरत है सो so आज थोड़ा सा स्टक आपको लग सकता है वो रिलेशनशिप या वो पर्सन बिकॉज किसी टाइप का एक डर है किसी टाइप का एक आ, आ, इस पर्सन के अंदर सिचुएशन है दैट ये पर्सन को लगता है ये सही टाइमिंग नहीं है कि ये सामने आए या फिर ये खुलासा करे या फिर ये सच बोले या एक्सेप्टेंस करे इस कनेक्शन का सो दैट इज़ व्हाट आई ओवरऑल सी फॉर यू बट इतना ही मैं कहना चाहूँगी दैट प्लीज़ आज के दिन टेंशन मत लो कल के बारे में सोच के जो अभी तक हुआ नहीं है उसके बारे में सोच के अपने आप को सैड मत बनाओ कोशिश करो इस टेन ऑफ कप्स एनर्जी में रहने की आज यू you नो know, आज को एन्जॉय करो आज को हैप्पी uh, बनाओ देखोगे आपका कल भी ऑटोमेटिकली हैप्पी होता जाएगा ठीक है सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एंड टेक केयर गॉड ब्लेस यू एंड मैं आपसे जरूर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में सो गुड बाय एंड सी यू